करने वाले हैं हमारे एंड्रॉयड फ़ोन के लिए सबसे अच्छा स्क्रीन रिकॉर्डर कौन सा है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दो ऐसे स्क्रीन रिकॉर्डर के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपके फ़ोन की स्क्रीन को अमेजिंग ही कैप्चर कर सकेंगे। और फ्रेंड्स, मैं जो आपको आज बताने वाला हूं वो बिल्कुल प्रो एप्लीकेशन आपको मैं फ्री में यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए देख लेते हैं कि हम किस तरह से अपने फ़ोन की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो भी फुल HD में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो सेकंड नंबर पे मेरे हिसाब से एप्लीकेशन आती है तो मैं पहले उसको बताता हूँ। तो यहाँ पे प्ले स्टोर में जाके आप सर्च कर लीजिए ADV स्क्रीन रिकॉर्डर। फ्रेंड्स, ये मेरे हिसाब से सेकंड नंबर पे आ रही है क्योंकि ये टॉप वन नहीं हो सकती, तो ये टॉप सेकंड में मानता हूँ इसे। तो इसका नाम है ADV स्क्रीन रिकॉर्डर। आप प्ले स्टोर पर सर्च कर लीजिए। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे कुछ एक एप्लीकेशन दिखाई देगी। ये मैं पहले से ही इंस्टॉल की हुई है और मैं आपको बता दूं कि यहाँ से आप केबल और केबल फ्री एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको प्रो एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो दूसरी एप्लीकेशन है जो टॉप वन में आएगी उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप बिल्कुल फ्री में प्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने पहले ही इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया है। तो यहाँ से मैं इसको डायरेक्टली ओपन कर लेता हूँ और बता देता हूँ कि किस तरह से हम इसे यूज़ करते हैं। जो आप यहाँ पे लाइनें देख रहे हैं इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से कुछ फंक्शन निकल के आ जाएंगे। तो इन फंक्शन में मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि किस तरह से हम इसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप जो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है शो 3 सेकंड काउंटडाउन, तो यहाँ पे अगर हम जो भी वीडियोस को रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन को तो उससे पहले 1, 2, 3 करके काउंटडाउन स्टार्ट होगा। इसको आप अगर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। उसके अलावा हमारा दूसरा जो इसमें फीचर है, और मैं यहाँ पे मैजिक बटन दिया हुआ है सेकंड नंबर पे, इस मैजिक बटन को जब हम यूज़ करते हैं तो जो भी हमारा काउंटडाउन चलता है और जो हमारे सेकंड चलते हैं कितनी देर की वीडियोस बन रही हैं तो वो यहाँ से हाइड कर सकते हैं बिल्कुल, या फिर उसे थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं और यहाँ ये अगर हम स्टॉप करेंगे तो यहाँ नोटिफिकेशन पे हमारा जो भी स्टॉप हम करेंगे तो वीडियो दिखा दिया जाएगा, तो वो यहाँ से हम ऑन कर सकते हैं इसको। और फिर जो हमारा वीडियो को रिजोल्यूशन है, तो वीडियो के रिजोल्यूशन अगर हमें फुल HD बनाना है तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो आप जो ऊपर की साइड में यूज़ स्क्रीन रिजोल्यूशन आ रहा है वहाँ से आप कस्टम यूज़ कर सकते हैं और फुल HD वीडियोस बना सकते हैं। उसके अलावा आप नीचे फ्रेम रेट देख सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ से आप चाहें तो वीडियो का रोटेशन आप चेंज कर सकते हैं, ओरिएंटेशन जो कि लैंडस्केप या फिर पोर्ट्रेट में होता है तो वो आप चूज़ कर लीजिए। और यहाँ से आप अपना ऑडियो अगर साथ में ही रिकॉर्डिंग के साथ में आप अगर रिकॉर्ड करना चाहते हैं अपनी वॉइस को तो यहाँ से आप इसको ऑन कर सकते हैं। तो जो नीचे यूज़ कैमरा लिख के आ रहा है आप इस पर अगर क्लिक कर देंगे तो आपकी एक साइड में फ़ोटो भी आएगी अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे उस समय, तो यहाँ से आप इसको भी ऑन कर सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर इतने सारे फीचर हैं, अभी दिखा देता हूँ आपको किस तरह से इसको यूज़ करना है। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं कोई एक सर्किल टाइप का दिखाई दे रहा है, तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो फर्स्ट टाइम ये सारा आएगा, ये फर्स्ट टाइम ही आता है, यहाँ से आप इसको ओके कर लीजिए और स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ डोंट शो अगेन पे क्लिक कर लीजिए। और इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। तो आप जो ऊपर वीडियो का ऑप्शन देख रहे हैं जो ऊपर बिल्कुल कॉर्नर में आ रहा है, तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए और आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जब आपको स्टॉप करना है तो जो ऊपर की साइड में जो सेकंड चल रही है आप इसी पे क्लिक कर दीजिए, आपकी जो भी वीडियोज़ है वो सेव हो जाएगी और स्टॉप हो जाएगी। तो बिल्कुल सिमिलरली हमें जो हमारा टॉप फर्स्ट में आता है एप्लीकेशन वो भी बिल्कुल सेम ही यूज़ करते हैं, उसके सेम ही फीचर हैं, लेकिन वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसमें एक दो फीचर बढ़े हुए भी हैं और उसके अलावा वो इससे फास्ट भी है। तो आप फिर प्ले स्टोर पर जाइए और वहाँ से आप सर्च कर लीजिए AZ स्क्रीन रिकॉर्डर। तो ये AZ स्क्रीन रिकॉर्डर सबसे बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर है, इसमें कोई रूट की ज़रूरत नहीं है, रूट की ज़रूरत ADV वाले में भी नहीं है। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ से फ्री में आपको मिल जाएगा। लेकिन प्रो एप्लीकेशन आपको अगर चाहिए तो वो एड फ्री होता है, उसमें काफ़ी सारे फीचर्स अनलॉक होते हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से परचेस करना चाहें तो परचेस भी कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रीन पे इसका कुछ इस तरह का आइकॉन आ जाएगा, एक साइड में आप देख सकते हैं। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से कुछ 5
फंक्शन आ जाएंगे, आप इसमें जो रिकॉर्ड का बटन है आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसकी भी हम पहले सेटिंग में जाकर देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ। तो बिल्कुल सिमिलरली इसमें जैसे उसमें फंक्शन है, बिल्कुल सेम इसी में भी वैसे ही फंक्शन है। तो आप यहाँ से भी बिल्कुल उसी की तरह इसे सेट कर सकते हैं अगर जिस तरह से आप करना चाहें। उसके बाद यहाँ पे जो पांच फंक्शन आ रहे हैं तो आप इसमें बीच वाला जो वीडियो का ऑप्शन है इस पर क्लिक करें और वीडियो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और आपको अगर वीडियो स्टॉप करना है तो आप जो स्क्रीन पे आइकॉन देख रहे हैं AZ एप्लीकेशन का, तो आप इसी पे क्लिक कर दें, आपकी वीडियो सेव हो जाएगी। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको दिखा नहीं सकता, इस समय मैं दो दो स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए ये मैं पूरी तरह से इस वीडियो को नहीं दिखा पा रहा हूँ। कुछ फाइलें रिकॉर्ड नहीं हो सकती हैं, दोनों वीडियो रिकॉर्डर एक साथ स्टार्ट नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे पूरी फाइल आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।